रकुल प्रीत सिंह ने सोशल मीडिया रूढ़िवादिता के खिलाफ चेतावनी दी है कि केवल हिंदी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर नुकसान हो रहा है। रकुल, जिन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम किया है, का कहना है कि हर व्यवसाय एक दौर से गुजर रहा है। महामारी के बाद फिल्म देखने वालों की आदतें बदली। पिछले साल तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों ने बॉलीवुड की द कश्मीर फाइल्स, ब्रह्मास्त्र, दृश्यम 2, भूल भुलैया 2 और अन्य को पीछे छोड़ दिया। रकुल ने कहा कि एक को देखना चाहिए भारतीय सिनेमा व्यवसाय में समग्र रूप से और दोषारोपण का खेल खेलने के बजाय बड़े प्रश्नों को संबोधित करें। पंजाबी और हिंदी फिल्मों में उत्तर फिल्म उद्योग शामिल होगा। वेद, पंजाबी और हिंदी फिल्मों ने काम किया है, इसलिए यह एक बहुत अच्छा समय है। हम लिखते हैं, RRR ने तेलुगु, कांतारा और कन्नड़ में KGF 2, तमिल में विक्रम और PS 1 में काम किया। सी चूंकि वे हिंदी में नहीं है, कई सफल मलयालम फिल्मों के बारे में नहीं जानते हैं। हर जगह एक ही कहानी है और हमें ये पूछने की जरूरत है कि क्यों। छत्रीवाली ने पोस्ट किया। रकुल ने कहा कि उद्योगों में कम फिल्में ये संकेत दे सकती हैं कि उपभोक्ता, विशेष रूप से महामारी के बाद, अपने थिएटर के दौरे को सीमित कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि लोग महामारी के बाद धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। एक परिवार की सैर की तरह हो, शायद सामर्थ्य या लागत मुद्दा है। दोष देने के बजाय हमें ढेर सारे सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि 4-5 हिंदी फिल्में चली। प्रौद्योगिकी और OTT ने दुनिया भर में फिल्म की खपत को बदल दिया है। एक या दो साल बाद हम जानेंगे कि लोगों की देखने की आदतें कैसे विकसित हुई हैं और टिप्पणी करने में सक्षम होंगे।